फर्क नहीं पड़ता भाई। मुझे तो पड़ता है ना यार, सब खत्म हो गया। अरे कुछ खत्म नहीं हुआ भाई, एक बार धोखा मिलना भी जरूरी होता है। भरोसा रख, इसके बाद परफेक्ट पार्टनर मिलेगा तुझे, और वैसे भी वो तेरे लायक भी नहीं थी यार। टूट गया हूँ यार मैं, किसी को फिर से ढूंढना, प्यार करना, ये सब मुझसे नहीं होगा यार। कोई नहीं समझता मुझे। अरे मैं समझूंगा यार तुझे, यार मैं हूं ना यार तेरे पास, दोनों भाई मिलकर कोई प्यारी सी लड़की ढूंढेंगे। अंशुल मेरी बात सुन भाई, वहां पर आके बात करते ना यार, तुम्हारी बात सुनना यार। देख लड़की के लिए खुद को कुछ करेगा तो लोग साले चूतिया बोलेंगे तुझे। भाई यहाँ तो हम दुनिया जीतने की बातें करते थे और यहाँ तू ऐसी पागलों जैसी हरकतें कर रहा है यार, पागल है क्या तू? मतलब एक लड़की के आ गई, सब कुछ खत्म हो गया यार, तू मेरी बात सुन रहा है? हेलो अंशुल, भाई अंशुल मेरी बात सुन, ऐसा कुछ भी मत करना। देख अंशुल, हेलो यार अंशुल, फक यार। मुझे माफ करना बाबूजी, अगले जन्म में आपका बेटा बनकर आऊंगा मैं। सचिन तू मुझे माफ कर देना यार, तेरा ही दोस्त बनकर आऊंगा मैं। छोड़ दे, चूतिया है क्या, क्या कर रहा है चूतिया? क्या यार, क्या मिल जाता मर के? पछताती मुझे खोकर, रो रो कर याद करती। जरूर याद करती, जब उसका नया बॉयफ्रेंड उससे पूछता ना कि कितनों का काटा था, तब तेरे को जरूर याद करती। अबे लड़की है लड़की, उसको कंधा देने के लिए हजारों लौंडे खड़े हैं लाइन में। तू ऐसे दिल छोटा करेगा तो भाई तू तो रोज आत्महत्या करेगा। बैठ इधर। दिल छोटा करने की बात नहीं है यार, उसके साथ लगता था कोई पिछले जन्म का रिश्ता है मेरा। भाई एक जानवर के लिए भी इतना सोचेगा ना तो ऐसा ही लगेगा, और वो तो फिर भी एक औरत थी। मैं समझता हूं तुझे, मैं हूं ना भाई। अगली बार जब किसी से मोहब्बत करने लगेगा ना तो मेरी बस एक बात ध्यान रखे, औरत एक बहुत ही कमजोर चीज होती है और वो कभी भी बहक सकती है, समझा? वो कके समझा है? औरत भगवान की सबसे शक्तिशाली रचना है, दुनिया की हर शक्तिशाली रचना स्त्रीलिंग है, जैसे आग, हवा, सृष्टि, धरती। पता है सारी दुनिया जीतने वाले राजा का मन भी एक औरत जीत सकती है। बड़े बड़े युद्ध औरत के लिए हुए, औरत को मन से सोचना चाहिए, अगर वो दिमाग से सोचने लगे तो बर्बादी होगी। इंसान में ना बस यही एक कमी है, जो उसके पास है उस पर ध्यान नहीं देना, जो नहीं है बस वही चाहिए। तो मेरी बात सुन भी रही है? हाँ जी मम्मी जी, मैं आपकी बात सुन रही थी। आपको पता है मैंने न्यूज़ में क्या देखा? एक पति ने अपनी पत्नी और अपने बच्चे को मार के नहर में डाल दिया और प्रेमिका के साथ भाग गया। बहुत बुरा हो रहा है दुनिया में, हम खुश हैं, तू ऐसी खबरों पे ध्यान मत दिया कर। चल अब खाना बना ले। जी मम्मी जी। इंसान को डर होना चाहिए, जब तक उसे अपनी सीमाओं का पता नहीं होगा वो खुद पे काबू नहीं कर सकता। पल्लवी, देवी और डायन में ज्यादा फर्क नहीं होता। जब औरत लालची हो जाए, उसका खुद पे काबू ना रहे, उसे कोई संतुष्ट नहीं कर सकता, फिर वो देवी नहीं रहती, डायन बन जाती है। और देवी बनना ही क्यों है? औरत प्यार देने नहीं लेने के लिए बनी है। आदमी अगर औरत पर अपना हक जताता है
तो उसे औरत को वो सब देना चाहिए जिसकी वो हकदार है। जो हमारे पास है हमें उसके बारे में नहीं सोचना चाहिए, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए जो हमारे पास नहीं है, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हें नहीं लगता ये सोच गलत है? इंसान के अगर अंदर ज्यादा पाने की इच्छा ना हो तो हम चांद पे भी नहीं पहुंच पाते। लेकिन मेरे बॉयफ्रेंड को पता चल गया तो? और तुम्हारी बीवी, उसे अगर पता चल गया तो? ये डर हमने खुद बना रखा है, इस डर से बाहर निकल के देखो, दोबारा नहीं डरोगी। मम्मा, हैंड्स अप। लवेक, रुको तुम्हें बताती हूँ मैं, कितनी शैतानी करते हो तुम। हाँ, कितनी शरारत करते हो तुम। हाँ, चोट लग जाती अभी तुम्हें तो। सॉरी मम्मा, आपको तो नहीं लगी ना? हाय मेरा बच्चा, हमें नहीं लगी, आप ठीक हैं? आपको तो नहीं लगी? ना, परफेक्ट हो। मेरा छोटू सा बेबी। भाई, जो तू ये परफेक्ट लड़की ढूंढ रहा है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती। एग्जिस्ट करती है यार, पर मेरी लाइफ वहां चूती है। माँ का प्यार तो पहले ही नहीं मिला मुझे, बाप को सतीली माँ से फुर्सत नहीं है। अब ना ऐसे लगता है मैं ही लायक नहीं हूं प्यार के। माँ का प्यार तो घर मुझे भी नहीं मिला, और डैड को पॉलिटिक्स से फुर्सत नहीं है। पर यार मैंने सोचा है, सब क्या सोचना है, मौज लेना यार, एंजॉय द लाइफ। तेरे जैसी लाइफ नहीं है ना मेरी, 3 साल से फेल हो रहा है तू, 3 साल और हो गया, क्या फर्क पड़ेगा तुझे? पैसे का ही फर्क है ना बस, बाकी तो सारी सिचुएशन सेम है हमारी, सेम कहानी है, इसलिए तो प्यार करता हूँ तुझसे। ऐसे ही प्यार करती थी वो, छोड़ गई ना। तूने भरोसा किया, उसने तुझे छोड़ दिया। चाणक्य जी ने कहा था, लड़की को सिर्फ प्यार करो, भरोसा मत करो। ऐसा कब कहा यार उसने? हाँ मतलब वही है यार, वही मतलब है। मुझे ना समझ नहीं आता यार, मैं क्या करूं। स्कूल वाली ये कहकर छोड़ गई, मैं शक बहुत करता हूँ। और ये वाली पता क्या बोल कर गई है, मैं शक ही नहीं करता, केयर नहीं करता मैं उसकी। भाई यही तो स्कैम है, मतलब तू लड़की को समझा ही नहीं, चूतिया है तू। समझना स्टार्ट करूं तो महा चूतिया होगा। भगवान विष्णु, राजा विश्वामित्र नहीं समझ पाए लड़की को, तू क्या चीज है? तो और करूं क्या मैं? कुछ नहीं, देख जिस लड़की को तेरे साथ टिकना होगा ना वो टिकेगी, ठीक है? और जिस लड़की को तेरे साथ नहीं टिकना ना, तू अपनी गांड का जोर लगा ले, नहीं टिकेगी। मैं जो टिकना नहीं होता तो आती क्यों है यार? आधा दिमाग मेरा उसकी याद में पागल रहता है, सारा दिन खाली बैठा रहता है ना, इसलिए दिमाग खराब रहता है। पापा से क्या क्या काम दिलवा दूं? तब तक क्या करूंगा मैं? हिला ले, अबे कोई ढंग की ढूंढ ले। कहां मिलेगी यार? कहीं भी, शुरुआत तो कर। अबे सोशल मीडिया यार, देख तो 1000 ऐप हैं, रिक्वेस्ट भेज और कहीं ना कहीं से जवाब तो जरूर आएगा। पल्लवी, तुम्हारा बाहर जॉब करना जरूरी है क्या?
कोई जरूरी काम कर रही हो? अब नहीं नहीं मम्मी जी, बस ऐसे ही कुछ देख रही थी। लवी, निन्नी आ रही है। मम्मी जी, मैं इसे सुला कर आती हूँ ना। तू भी सो जाना, मैं दरवाजा खोल दूंगी। इसे तेरे बिना नींद कहाँ आती है। चलो 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 चलो, मम्मा सुलाएंगी आपको। चलो चलो चलो, लवी को निन्नी आई है। आ गया बेटा। हेलो माँ। सुनो। हाँ माँ बोलो। बेटा पल्लवी नौकरी ढूंढने की कोशिश कर रही है, कहीं गलत हाथों में ना चढ़ जाए। मैं मना करता हूँ उसे, हर रोज उसके ना दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है माँ, तो मैं देखता हूँ। बेटा मना ही नहीं करना, उसे बैठ के समझाना भी है। मैंने भी आज उसे समझाया, तू भी एक बार उसे समझा दे। बच्ची थोड़ी है माँ जो उसे हर बात के लिए समझाता रहूं। उसे जो करना है करने दो, जहां जाना है जाए। हाथ से निकल जाएगी बेटा। अच्छा, और निकल के कहां जाएगी? भैया भैया, बस 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 यही रोक दीजिए। भैया मैं तो ऐसे ही सिंपल सी बनकर आ गई, इसका घर तो कितना हाई क्लास है। वेलकम मैम। अरे अरे पल्लवी आ गई। तो आ गई तुम इंटरव्यू देने? और क्या कहती यार, अगर पार्टी का कहती तो बिल्कुल नहीं आने देते। वैसे घर बहुत सुंदर है तुम्हारा। थैंक यू। वैसे गाइस, शी इज पल्लवी और ये सेक्टर 27 से है। सेक्टर 27? वहाँ से कहाँ से? वहाँ पे ना हमारी काफ़ी सारी क्लाइंट है। तुम्हारे हस्बैंड का नाम क्या है? ओ यार प्लीज़, नो हस्बैंड। हस्बैंड से परेशान होके तो यहाँ पे तुम सबको पार्टी के लिए बुलाया है, और फिर हस्बैंड। सॉरी, आई एम सॉरी। वैसे करती क्या है आप? मैं लोगों की लाइफ को सिक्योर करती हूँ। मतलब? लाइफ इंश्योरेंस एजेंट हूँ। अच्छा। 6 साल हो गए वैसे, तुम बिल्कुल नहीं बदली, वैसे की वैसी ही हो। और तुम्हारा बेटा कहाँ है? सासू माँ के पास है। ओके। वैसे कहाँ से लाए हो उसे? काफी हैंडसम है। मैं जब से अमेरिका से वापस आई हूँ, मेरे सारे काम यही संभालता है। अच्छा, तो तुझे भी संभालता है? शट अप यार प्लीज, कुछ भी। मानसी, मुझे जाना है। आई एम सो सॉरी यार, कुछ काम है। यार इतने टाइम बाद मिले, तुम सभी के लिए मैंने पार्टी रखी है, ऐसा नहीं होता, तुम्हें रुकना पड़ेगा। प्लीज समझने की कोशिश करो, मुझे सच में काम है, मैं कल आ जाऊंगी, प्लीज यार। अच्छा, अपने बॉयफ्रेंड के बारे में तो बता दो। उसकी मुझे जरूरत नहीं है। वैसे लाइफ में बॉयफ्रेंड होने से शादीशुदा जिंदगी में एनर्जी बनी रहती है। हाँ वैसे इसका जो भी बॉयफ्रेंड बनेगा ना, किस्मत वाला होगा वो। हाँ।
कोई रिप्लाई आया? अबे कहाँ यार, पेंचो सब सुंदर सुंदर लड़कियों को रिक्वेस्ट भेज ली मैंने, कोई भाव ही नहीं दे रही यार। सब तेरे जैसे पैसे वाले लड़कों पे मरती हैं। ओशो ने कहा था पटाने वाला होना चाहिए, और सुंदर लड़की को पटाना तो वो तो और भी आसान है बेटे। भैंचोद ऐसा कब कह दिया उसने? अरे मतलब वही है यार। और वैसे भी यार सुंदर लड़की पटानी क्यों है? हमें इनसिक्योरिटी बनी रहती है। हाँ खाना खाना है क्यों है, है ना? टॉयलेट जाना पड़ेगा, नंगा घूम कपड़े क्यों पहनता है, फट गए तो चूतिया बातें। चल छोड़ना यार, जब रिप्लाई आएगा किसी का तो देखेंगे। आएगा आएगा बेटा, आएगा आएगा, हम बता रहे हैं आएगा, तू देखियो बस, देखता जा यार। मैं तेरे काम की सारी बात कर लूंगा, ज्यादा दिमाग मत लगाना ठीक है, चुप रहियो, बैठे हैं। पापा आ गया बेटा। नमस्ते अंकल। और पापा बढ़िया? पापा वो आपने दवाई ले ली थी रात को? हाँ 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 हाँ, मैं तो तुमने जो कहा वो प्रॉपर फॉलो कर रहा हूँ सब। जी बेटा जी। पापा मैं कह रहा था कि अंशुल के ना बीए के फाइनल एग्जाम हो गए हैं, अब रिजल्ट का वेट कर रहा है, फ्री बैठा था, मैंने सोचा आप कुछ काम दे देते इसको। क्या काम दो बेटा? आप ऐसे फोन चलाते अच्छे नहीं लग रहे, तो क्यों ना आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स मैं संभाल लूं? नहीं मैं ऐसे ही कह रहा था, मतलब आंखों पे बुरा असर पड़ता है ना। हाँ वो बाकी जो काम आप दोगे मैं कर लूँगा। मैं सोच ही रहा था ये काम किसी भरोसे वाले आदमी को दे दूं, 10,000 रुपये महीना मिलेंगे, ठीक है? जी अंकल चलेगा, जी चलेगा। भरोसे वाला काम है दे दूं? हाँ पापा बिल्कुल, ये ठीक है फिर तो मैं इसको समझाता हूँ। ठीक है बेटा, नमस्ते जी। ओके पापा बाय। चल अंशुल चल। अतुल सुनो ना। हाँ बोलो। मुझे एक ड्रेस पसंद आया है, ले लूँ क्या? ज्यादा महंगा नहीं है? यार लेने को हम ले सकते हैं, लेकिन इस टाइम हमारी ज़रूरतों से ज़्यादा ना लविक की ज़रूरतें हैं जो हमें पूरी करनी है, तो ऐसे पैसे वेस्ट नहीं कर सकते। तभी तो कहती हूँ तुमसे कि जॉब कर लेती हूँ, तुम हो कि हर बार मना कर देती हो। यार तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा है, तुम एक ही बात को बार बार रिपीट क्यों करती हो? मैं कमा रहा हूँ ना यार। आप मुझे जानते हो? हेलो भाई। हाँ एक बंदी का ना वापस मैसेज आया है। तो बात करना। यार समझ ही नहीं आ रहा कैसे करूं। भाई 18-18 साल के लड़के माउंट एवरेस्ट चढ़ जाते हैं, तुझसे बात भी नहीं हो रही। अबे माउंट एवरेस्ट और लड़की पर चढ़ने में फर्क होता है यार,
माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना तो फिर भी आसान है भाई। सुन, ज्यादा दिमाग मत लगा, ठीक है? उसका तेरे से मन था बात करने का, इसलिए उसने मैसेज किया, ठीक है? चुपचाप मैसेज कर, फुद्दू साला। ठीक है, करता हूँ। हाँ ठीक है, आज हिला के सो जा। हेलो, हाउ आर यू? क्या देख रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही टाइम पास कर रही थी। सॉरी यार, मैं थोड़ा परेशान था तो इसलिए गुस्से में ज्यादा बोल दिया। ऐसा लगता है जैसे तुम अब मेरी केयर ही नहीं करते हो। पल्लवी, हमारी लाइफ अब हमारे लिए नहीं, लविक के लिए है। हम सिर्फ हमारे बारे में नहीं सोच सकते। और ऐसा नहीं है कि मुझे पहली वाली लाइफ नहीं जीनी। ट्रस्ट मी, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ हम सबकी विशेस पूरी करने के लिए। आई जस्ट वॉन्ट वन थिंग, तुम मेरा साथ दो। तुम जानते हो ना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। एक सेकेंड, आई एम। हेलो, क्या है? बार बार कॉल क्यों कर रही हो मुझे? आपने मिस कॉल किया तो? हाँ, मैंने ये बताने के लिए कॉल किया था कि दोबारा कॉल मत करना मुझे। आपने मिस कॉल किया तो मैंने बैक कॉल करी है। गलती हो गई, आज के बाद कॉल मत करना मुझे। और मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ, मैसेज भी मत करना मुझे, समझे? हेलो, मैं कब से तुम्हें फोन ट्राई कर रही हूँ। अरे यार, तुमसे कितनी बार कहा है मुझे जब घर पे फोन मत किया करो यार। अच्छा चलो, ये सब छोड़ो। तुम्हें पता है वो जो ड्रेस की पिक तुमने भेजी थी ना, मैं उसे पहनने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तू टेंशन मत ले, तुझे पहनाऊंगा भी मैं और उतारूंगा भी मैं। अच्छा चलो देखते हैं। ठीक है, ध्यान रखो और फोन मत करना अभी। हाँ अच्छा ठीक, जल्दी मिलते हैं। See you soon. I love you. ऑफिस वालों का था? As usual, बेवक्त कॉल कर देते हैं। इधर आना। क्या? इधर आना। सिगरेट पीकर आए हो ना? कितनी बार कहा है मत पिया करो, हमेशा डांटती रहती हो। सोने दो।
अचानक आज और क्या छुपा रहे हो तुम? कुछ भी तो नहीं। बताओ, दिखाओ, दिखाओ। कुछ भी नहीं। दिखाओ। अरे अरे क्या है इसमें? ओपन करके देखो। तुम ले आए? हाँ, मैं अभी इसे पहन के आती हूँ। मैं पहना देता हूँ। मैं पहन के आती हूँ ना। मैं पहनाता हूँ ना पापा। मैं पहन के आती हूँ। मैं पहना दूंगा। हाँ मैं पहना दूंगा। मैं पहनती हूँ ना। मैं पहनाता हूँ ना। अरे पहनने तो दो। हाँ तो इससे पहले थोड़ा सा अच्छा एक बात बताओ, कल जब मैंने कॉल किया था तो कोई था वहां पे? वाइफ थी। झूठ बोल के डरना मत। लेकिन उसे शक तो नहीं हुआ? आंखों में आंखें डाल के फुल कॉन्फिडेंस से जब बड़े से बड़ा झूठ भी बोला जाए ना तो वो सच लगने लगता है। लेकिन फिर भी डर तो रहता है ना? हाँ, दो चोर थे। एक ने नजरें चुरा के चोरी की और फिर भी पकड़ा गया। एक ने सबके सामने आंखों में आंखें डाल के चोरी की और आज तक पकड़ा नहीं गया। That's me. तो चोरी करो तो सामने से करो। समझदारी से। यार सचिन भाई समझ नहीं आ रहा यार, उसने कल खुद ही मैसेज किया फिर कॉल भी की और जब मैंने वापस कॉल की ना तो वो ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे उसने कुछ किया ही ना हो। अरे यही तो स्कैम है। मदर टेरेसा ने कहा था एक लड़की के एक दिन में 100 मूड स्विंग्स होते हैं। वेंचर ऐसा कब कहा उसने? अरे मतलब वही है यार। नहीं नहीं ऐसा होता क्यों है? क्या हुआ होगा? क्या क्यों कैसे इन सब चक्रों में मत पड़ भाई। लड़कियां कभी भी कुछ भी कर देती हैं। मतलब लड़कियों पे भरोसा नहीं कर सकते कभी? नहीं मतलब ऐसा नहीं है, तरीका होता है। मतलब मेरी वाले को देख, मैंने ऐसा रखा कि मेरे को धोखा कभी दे ही नहीं सकती। चैलेंज कर सकता हूँ तुझे। हैं? कितना प्यार करती बताऊँ? माय स्वीट हार्ट। सचिन का कॉल है, क्या बोलूं उसको मैं? सिखाया था ना चोरी समझदारी से करो। ट्राई करो। हेलो। हेलो। देखो तुम्हें ही याद कर रही थी और तुम्हारा ही फोन आ गया। वो तो हमेशा करती हो। पर तुम ज्यादा करते हो। अब क्या करें, और कोई काम भी तो नहीं है मेरे पास। मत सोचो ना, तुम्हारे अलावा मेरी जिंदगी में कोई नहीं आ सकता। मैं तो कभी कभी सोचता हूँ कि अगर तुम नहीं होगी तो मेरा क्या होगा। बस इतना सोच लो कि तुम्हारे बगैर मैं नहीं रह सकती। जितना करीब तुम मेरे आए हो ना उतना करीब कोई नहीं आया है, और तुमसे दूर मैं नहीं रह सकती। इतना प्यार करती हो। बहुत स्ट्रिक्ट है फैमिली उसकी। अब चल चल छोड़।
यार सचिन, मेरी कन्फ्यूजन दूर करे यार। बोल भाई, मैरिड लड़की को पटाना कैसा रहेगा? तू यार बड़ा ही खज्जल रहता यार, है? अबे ये मत सोच, ये सोच कि तू पटा भी पाएगा कि नहीं, और सही गलत की बात बाद में। मान ले पट गई तो? पट गई तो उसे खुश करना सीख। कैसे? ऐसे। ये ले पढ़। क्या है ये? पढ़ ले बेटा, जीवन सफल हो जाएगा तेरा, कृपा हो जाएगी, जा सारे आज ही पढ़ेगा। सही है यार। आइए मैम। ये मर्द लोग ना तुम्हें रोने के लिए सिर्फ तब तक कंधा देंगे जब तक तुम्हारी टांगे इनके कंधों पे ना आ जाएं। और फिर भी हमें वही कंधा पसंद आता है, और उनसे कोई ऐसी वैसी बात कर दो तो उनका दिमाग घुटनों में चला जाता है। उन्हें घुटने नहीं कहते। बात तो तुम लोग सही कह रहे हो। ये सारे मर्द होते ही एक। हाँ यार भाभी, सब नहीं। अच्छा तो तुम्हें ऐसा क्या है? यही कि हर लड़की को देखकर मेरी नियत खराब नहीं होती। ओ, पल्लवी को देखकर भी नहीं? ये तो मुझे मेरी माँ जैसी लगती है। पल्लवी, वैसे ये क्या इमेज बना रखी है तुमने? पल्लवी का तो हस्बैंड भी उसे देखे माँ समान समझता होगा। फूल सिंह तो वैसे ही बहुत सकते है, ये ऐसे नहीं पिघलने वाला। सख्त हो या ना हो, रहेगा तो तुम्हारा ड्राइवर ही ना। ही इज ऑलराउंडर। ये सब तो ये मेरे कहने पे करता है, वैसे इंजीनियर है। औरतों को देखकर ना बड़े बड़े साधुओं की तपस्या भंग हो जाती है, और ये तो फिर एक इंजीनियर है। मुझे बस इतना पता है कि तुम दोनों में से इसकी नियत कोई भी खराब नहीं कर सकता। अच्छा, फूल सिंह यहाँ बैठो ना। नहीं। अरे बैठो ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, आप तो शादीशुदा हो ना? शादीशुदा? पासवर्ड तो नहीं लगा ना? फूल सिंह, फूल सिंह। अरे क्या हुआ? कुछ नहीं, मैं चाय लेकर आता हूँ। कमाल, मान गए पल्लवी तुझे। इसके जैसे कितने ही फूल तो मैं यूं ही गिरा दूं। हो सकता है। हाँ ले। नहीं यार,
ले अच्छा एक बात बताओ, ऐसा क्या है मुझमें जो तुम्हारी बीवी में नहीं है? वही जो मुझमें है और उस तुम्हारे नल्ले बॉयफ्रेंड में नहीं। अच्छा चलो ये तो बता दो कि वो कैसी दिखती है, कैसी है, क्या नाम है। तुम्हें कितनी बार बोला है तुम मुझसे उसके बारे में बात नहीं करोगी, नाम तक नहीं पूछोगी तुम मुझसे उसका। अच्छा बाबा नाराज क्यों हो रहे हो? सुनो तुम्हें पता है मैं ना तुमसे इतना प्यार क्यों करने लगी हूं, और ये भी जानती हूं कि हम साथ नहीं रह सकते, हमारा कोई फ्यूचर नहीं है, लेकिन फिर भी, लेकिन अब मैं वो सचिन के साथ तो बिल्कुल नहीं रह सकती। मैं बस उससे ब्रेकअप करना चाहती हूं, लेकिन समझ ही नहीं आ रहा है मैं उसे कैसे बोलूं, कैसे बताऊं। ब्रेकअप करना क्यों है? अगर तुम फिर भी चाहती हो तो मैं तुम्हें बता देता हूं। जब पहले बताओ। बता रहा हूं पहले बताओ। कि अब गोल पर फोकस करना है, हमारा फ्यूचर नहीं है, तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो, घर वालों को धोखा नहीं दे सकती, यही सब कहोगी ना? नहीं। फिर शादी के पहले ये सब मुझे ठीक नहीं लगता, और भगवान को भी तो मुंह दिखाना है ना। तो ये सब तो तुम मुझे फोन पे भी बता सकती थी, यहाँ क्यों बुलाया? लेकिन फोन पर तुम्हारे रिएक्शन मुझे पता नहीं चलते ना। हाँ। और ये सारी बातें आमने सामने करना ठीक होता है। तो क्या रिएक्शन? मेरी कैब आ गई है। मुझे छोड़ के मत जाओ। अरे ये जैकेट दिलाई थी ये तो दे दो। अच्छा सुनो, अरे फोन दे दो, अरे अंशुल का फोन टूट गया बेचारे का, अरे फोन तो दे दो। क्या हुआ भाई? ये अपने आ गया, भगवान को मुंह दिखाना है। तू तो कह रहा था धोखा नहीं देगी। नहीं मतलब धोखा नहीं दिया है, रिलेशनशिप में ये सब चलता रहता है, जरूरी होता है थोड़ा सा ब्रेक लेना। वापस आ जाएगी यार, वैसे भी न्यूटन ने कहा है कि जो जाता है वही वापस भी आता है। यार मुझे इतना नहीं पता, पर ऐसा नहीं कहा होगा यार, मतलब वही था यार। ये तो गई, चल कोई बात नहीं, लड़के के लिए टेंशन नहीं लेनी यार। बस ये बकचोदियां करवा लो तेरे से ना। नमस्ते बाबूजी, पायला गो। हाँ हाँ, क्या कर रहा है अभी तू? कुछ नहीं, बस रूम पे ही पड़ा था जी। सारा दिन घर पे ही पड़ा रहता है, कोई ढंग का काम कर ले, दो पैसे हमें भी भेज दिया कर। बस रिजल्ट का वेट कर रहा हूँ। पता नहीं कब आएगा तेरा रिजल्ट। सुन एक काम करना है तुझे। जी। तहसील में वर्मा जी को राशन कार्ड की कॉपी दिया, तेरी दूसरी माँ का नाम लिखवाना है उसमें। जाना जरूरी है क्या? यहाँ तेरी माँ इतना फिक्र करती है तेरा, और तू इतना काम नहीं कर सकता? कभी एक फोन करके हाल तक तो पूछा नहीं मेरा। जुबान मत लड़ा, जो काम कहा है वो कर जाके। जी ठीक है।
आराम से आराम से आराम से। कैसी लगी आपको आइसक्रीम? अच्छी। हाँ जी भैया, मुझे वो। हाँ जी सर, क्या चाहिए था आपको? बेल्ट चाहिए थी सर। ये लेडीज शॉप है, इतना तो कॉमन सेंस होना चाहिए आपको। हाँ मालूम है, बेल्ट तो ऐसे ही पूछ लिया। फिर क्या लेंगे? ब्रा चाहिए थी। कितना नंबर? अच्छा दीक्षा, सर को 32 सी दो जरा। सर कलर कौन सा लेंगे आप? कलरफुल कोई फूलों फूलों का डिजाइन? दीक्षा सर को ना लेटेस्ट वाली दिखाओ जो न्यू आई हैं अभी। और मैम आप क्या लेंगी? मैं भी बताती हूँ। कितने का ये? सर 320। इतनी सस्ती, कोई और दिखाओ। ओ सॉरी सर, ये ना 520 वाली है, मैंने आपको गलती से 320 बोल दिया। ऐ भोसड़ी के। पैक कर दूं सर? ठीक है दे दो। दीक्षा पैक करके दो सर को। ठीक है सर, थैंक यू सर। भैया मैं 2 मिनट में। लवी आप यहीं रहना, इसका ध्यान रखिएगा। ओके मम्मा। और क्यूटी पाई? एक्सक्यूज मी अंशुल। फेसबुक से ब्लॉक किया तो पीछा कर रहे थे मेरा? मतलब फोटो ध्यान से देखी थी मेरी। पीछा क्यों कर रहे थे? अट्रैक्ट हो गया था। सुंदर हो, सेक्सी हो और लड़की हो। और तुम्हारी तो प्रोफाइल में भी लिखा है फाइंडिंग ट्रू लव। पता है शादीशुदा हूँ मैं। हाँ तो शादीशुदा हो को ही पासवर्ड थोड़ी ना लगा है। वैसे तुम सब लड़कियां एक जैसी की होती हो। कभी कोई ढंग की लड़की नहीं मिली ना तुम्हें, तो मिलवा दो आप। यार कोई चीज कर रहे थे। Oh my God. यार ऐसा नहीं लगता कि हम लोग बहुत ज्यादा मिलने लगे हैं, और हर बार ना सिर्फ एक ही टॉपिक पर बात करते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में बात करने में प्रॉब्लम क्या है? कुछ भी बोलो, कुछ भी करो, खोने का डर नहीं होता। और वही बॉयफ्रेंड को ले लो, हस्बैंड ले ले, इतना सा कुछ कह दो, सीधा बात ईगो पे आ जाती है। All right. और उसके बाद उन्हें ऐसा लगने लगता है कि उनका डोमिनेशन खत्म हो गया। और एक पति ना कभी भी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकता, राइट? वो तो हम भी उनकी सारी ख्वाहिशें पूरी नहीं कर सकते ना। अच्छा पल्लवी एक बात बताओ, कि अगर तुम्हारे हस्बैंड का किसी के साथ अफेयर चल रहा हो और तुम्हें पता ना हो तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता, वो कभी ऐसा कर ही नहीं सकते। मेरा पति मेरा देवता है, वाह। मेरे पति ने जिस दिन मेरे साथ ये सब चीज़ किया था ना, उसी दिन मैंने नया बॉयफ्रेंड बनाया था। तुम किससे बात करती रहती हो यार? दिखा यार प्लीज। तुम मुझे दिखाओ, दो इधर मुझे। आ हाँ मेरी ब्रा कैसी लग रही है? दिखाओ कौन सी है। क्या बात है, ये तो बता दो कि कौन सा वाला है। दो दो है मेरे पास। ओ ये सब तो तुमने स्पेशल वाले को ही लिखा होगा ना।
हो सकता है। हाँ। मेरी बॉडी तुम्हारी बीवी से तो अच्छी ही है। क्या बात है। ये पक्का अतुल होगा। दूसरे वाले को तो मैं ऐसे फूल पत्ती ऐसी फेंकती रहती हूँ, बहुत बोरिंग है यार वो। और लिखा है, बता दूं? मानसी लिखा है। मुझे दिखाओ ना। क्या दिखाऊं? मानसी दिखाओ। कब से जानती हो तुम इन्हें? तुम्हें क्या हुआ? तुम क्यों इतना गुस्सा हो रही हो? पति यही मेरा। पल्लवी देखो, मुझे सच में नहीं पता था कि अतुल तुम्हारा पति है। ना उसने कभी मेरे से तुम्हारे बारे में बात की, ना कभी फोटो दिखाई। तुम्हें ये नहीं पता था कि ये शादीशुदा इंसान है। तुम्हें पता है पल्लवी, अतुल ने ही मुझे प्रपोज किया था। और तुमने हाँ भी कह दी। तुम कैसी हो रूबी? तुम्हें शर्म नहीं आई जरा भी? किसी का पति है वो। हाँ मैं जानती थी, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं पाई। You know what, Ruby? You are such a bitch. पल्लवी, अपने आप को संभालो और जुबान संभाल के बात करो। तुम भी कोई सती सावित्री नहीं हो यहाँ पे। और अगर तुम में इतनी ही अच्छाई होती तो वो मेरे पास क्यों आता? पल्लवी एक बार फिर से सोच लो, माफ कर दो यार, नहीं होगा फिर से ऐसा। अतुल जो कुछ भी हुआ है वो मेरे दिमाग से नहीं निकलने वाला, इसीलिए तुम ये डाइवोर्स पेपर साइन कर दो। देखिए ये पेपर सभी लीगली कोर्ट में वैलिड नहीं है, इसके लिए आपको कोर्ट आना पड़ेगा। वहां पे कोर्ट आपको 6 महीने का टाइम देगी, इस दौरान आप सोच लीजिए कि आपको करना क्या है। मुझे 6 महीने भी इनसे कोई रिश्ता नहीं रखना। तो फिर ये बच्चा कहाँ रहेगा? लविक मेरे साथ रहेगा। ठीक है मैं साइन कर रहा हूँ, अगर तुम्हें मुझ पे बिल्कुल भरोसा नहीं रहा ना तो तुम भी साइन कर देना। और एक बात ध्यान रखना, तुम भी मेरे बिना नहीं रह पाओगी। चाहती तो मैं भी नहीं थी ऐसा कभी। थैंक यू ये सब लविक। चलो बेटा। नहीं लविक, नहीं लविक, जिद नहीं करते ना, चलो लविक चलो। पापा दादी। हेलो हेलो अंशुल, मुझे तुमसे मिलना है। क्या अभी आ रही हो क्या? हाँ अभी। हाँ ठीक है ठीक है, मैं लेने आता हूँ तुम्हें। पल्लवी तुम मुझे पसंद करती हो ना, पर कहने से डरती हो है ना? क्या नहीं, वो मैंने कहीं पढ़ा था कि लड़की अगर ऐसे हाथों बालों से खेले बट बोले कुछ ना तो इसका यही मतलब होता है। अच्छा ये तो बताओ कि अचानक ऐसा क्या हुआ जो मिलने को मन किया? पति चूतिया है मेरा, बस इसलिए।
और कुछ मत पूछना आप। वैसे ये कार तुम्हारी है? हाँ हाँ मेरी है। सॉरी बस ये पास में ही। True love. बैठो। कुछ लोगी चाय कॉफी? अब तुम नॉनवेज खाते हो? नहीं बिल्कुल भी नहीं। तो ठीक है सिर्फ मेरे लिए ऑर्डर कर दो। तुम खाती पीती भी हो? हाँ तो कोई प्रॉब्लम है? नहीं ऐसे पूछ रहा था। मैं भी खाता हूँ नॉन वेज। ये मेरी नहीं है, ये मेरे फ्रेंड ने पी थी। और है? नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते। पल्लवी से मिलना है। वो तो नहीं है, अभी निकली है, बाहर गई है। कहाँ गई है? कह रही थी किसी फ्रेंड के घर जाना है। और लविक? लविक यही है, अंदर आ जाओ। नहीं मम्मी जी, आप लविक को बाहर ले आइए प्लीज। ठीक है। तुम पहले क्यों मना कर रहे थे? वो किसी बुक में पढ़ा था मैंने, लड़कियों को शराब पसंद नहीं होती। ऐसी घटिया किताबें मत पढ़ा करो। वैसे तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है? उसकी एडवर्टाइजिंग एजेंसी है। ये तो बड़ा दिमाग वाला काम है यार, वो कैसे कर लेता है? क्यों क्यों नहीं कर सकता? तुमने तो कहा वो तो चूती है। वैसे तुम्हारे पास इतनी अच्छी गाड़ी है तो फिर ऐसे घर में क्यों रहते हो तुम? तुम अपने हस्बैंड से रिलेटेड कोई बात नहीं करना चाहती ना? तुम्हारे पास आई इसलिए हूँ कि उससे रिलेटेड कोई बात ही नहीं करनी मुझे। अब जो पूछा है उसका जवाब दो। बस यार पापा से थोड़ी अनबन चल रही है तो यहाँ पे रह रहा हूँ। जैसे सब ठीक होगा ना वापस चला जाऊँगा। करते क्या है तुम्हारे पापा? वो सुधीर सिंह का नाम सुना होगा? हाँ वो जो MLA है वो। पापा है मेरे। पैसे से तो कभी लगाव रहा ही नहीं यार, वो मिलता भी रहा। प्यार चाहिए था लेकिन कभी किसी से नहीं मिला। तुम तो ऐसे डर रही हो जैसे वर्जिन होती हो। हाँ हूँ, तभी तो डर रही हूँ ना। तुम्हारी तो शादी हो रखी है। सिर्फ शादी ही तो हुई है, तुम्हारा बच्चा भी तो है। चीयर्स।
चीयर्स। एक सेकेंड हाँ, चुप रहना। हाँ मम्मा। सुनो, अतुल आया था। यार मम्मा, मैंने ना कोई घर नहीं बसाना है उसके साथ। बेटा, तुम्हें उसके साथ बात करनी चाहिए। और अतुल लविक को अपने साथ घर ले गया। मम्मा, आपने लविक को जाने क्यों दिया उसके साथ? आप रुको, मैं आ रही हूँ। अभी आ रही हूँ। हाँ, मैं आ रही हूँ। क्या हुआ? सॉरी अंशुल, जाना पड़ेगा, अर्जेंट काम है। क्यों? अरे पर ये सब बाद में। सॉरी। हाँ, बाय बाय। नहीं, एक एक हटिया, थोड़ा सा पी लो। बस पापा। गुड बॉय। नहीं पीना। लवी कहाँ है? लवी! अच्छा हुआ तुम आ गई। तुम्हारे बिना ना कुछ खा रहा था और ना सो पा। तुम लवी को यहाँ लेकर क्यों आए? इधर आओ। मम्मा आप कहाँ चले गए थे? लविक मम्मा को याद कर रहा था, रोया भी था। नहीं, पापा रोए थे पर मैंने चुप करवा दिया। मम्मा आप मुझे छोड़ के कहीं मत जाना। कभी छोड़ के नहीं जाएंगे आपको। बेटा, मम्मा अभी आ रही है ना, आप यहीं बैठो। ठीक है। कभी मेरे सामने भी रो लिया करो। ऐसी हरकतें ही क्यों करते हो तुम? डर गया था यार, डर गया था मैं। प्लीज एक बार माफ कर दो। I'm sorry। सबसे ज्यादा भरोसा मैं तुम पर करती थी। प्लीज एक बार माफ कर दो, एक बार भरोसा करके देखो। I'm sorry। तुम्हें वक्त इसलिए दिया था ताकि तुम अपने गोल पर फोकस कर सको, ना कि उस गोल मोल पर। I'm sorry। ऐसा दोबारा नहीं होगा, प्लीज ट्रस्ट मी, प्लीज। माँ के यहां मुझसे मिलने आए थे। फिक्र हो रही थी तुम्हारी, तो मिलने आ गया। फिर माँ ने बताया तुम वहां पे हो ही नहीं। पर माँ ने बताया होगा ना कि मैं मानसी के यहां हूं। मैं वहां भी गया था, तुम वहां भी नहीं थी। पर पल्लवी, मैं अतुल, I'm sorry। Thank you.
देखने से तो वर्जन लग रही है। यार पहली बार ऐसा केस देखा है, मैरिड वुमन वर्जिन कैसे हो सकती है यार। पर इतने कॉन्फिडेंस से बोला तो कोई तरीका तो होगा पता करने का। अगर तो ये वर्जिन है ना, जान लगा दूंगा पटाने के लिए। स्कैम है मैंचो साला। ओ, चलते हुए उसकी चाल देखी थी? चाल से तो ये वर्जिन ही लग रही थी, पर इसका ना बेटा है। अडॉप्टेड भी तो हो सकता है। अरे यार तू तो हर चीज की पॉजिटिव साइड ही देखता है। एक बात बता, फोन करके पूछूं? अपनी कसम दूंगा। है हाँ हाँ मेरी कसम खाओ तुम वर्जिन हो। हाँ? सुनो, कल जो कुछ भी हुआ वो सही नहीं था, भूल जाओ प्लीज। अपनी मर्जी से तो आई थी। गलती हो गई, माफ कर दो। आज के बाद कभी कॉल मत करना मुझे, समझे तुम? काट दिया। भाई थोड़ा सफाई रखा करो ना, क्या हालत बना रखी है कमरे की। देख सब फैला हुआ है, और फिर तुम लड़कियों में कमियां निकालते हो। मैंने कब निकाली यार? महान पेंटर MF हुसैन साहब ने कहा था, लड़की एक एक चीज को नोट करती है। साइकोलॉजिकल फैक्ट्स है बेटे, कलर पैलेट के हिसाब से ना मूड बदलता है, तभी फील आती है। यार कलर कहाँ से करा दूँ मैं, पैसे तो मेरे पास पहले ही नहीं है। 520 की तो बरा पड़ गई मुझे। पैसे तो सारी जिंदगी कमानी बेटे, फील सीख, स्किल सीख। हेलो। हाँ पापा। हाँ कहाँ है तू, घर आ। पापा। अरे जहाँ भी है तू जल्दी घर आ। क्या हो गया पापा, गुस्सा क्यों हो रहे हो? अरे आवास। क्या हुआ खंडिया, तूने कुछ कांड तो नहीं कर दिया? मैंने क्या किया? लड़की को उत्तेजित कैसे करें हैं? ठरकी दुनिया, सबिता भाभी के नुस्खे हैं, वॉकिंग आइडियाज। लड़की के इस जगह उंगली लगाने से। अंकल गलती होगी, मैं आगे से कुछ नहीं देखूंगा। देख बेटा देख, पर इतना भी देख के किसके अकाउंट से देख रहा है? पर अब देखना भी क्या है, जो होना था सो हो गया। पापा मैं सब करवा दूंगा, अभी इसको जाना तो प्लीज, मैं सब से करूंगा। लोग भी क्या सोच रहे होंगे, नेताजी महिला सुरक्षा समिति के पुराने सदस्य हैं, और इस उम्र में क्या हो गया इनको। अब अंकल मैं अभी सारे पेज अनफॉलो कर दूंगा। हाँ अभी करियो। अरे पापा सुनो सुनो सुनो, पापा अभी सब सही करवा दूंगा, इसको अभी छोड़ दो आप, मुझे इसको एक मीटिंग में लेके जाना है। मीटिंग? अब तेरी कौन सी मीटिंग है? अरे मीटिंग सक्सेसफुल होते ही आपको बता दूंगा, आपका वोटिंग परसेंटेज ही बढ़ेगा। ठीक है पापा मैं ले जा रहा हूँ उसको ना। चल चल सही है ना, बढ़िया साले। बस एक बात बता, पेज फॉलो करके कुछ सीखा या बस एम आई मेरे पापा की मट्टी बलीद कर दी? क्यों ले रहा है यार है?
हो गया ना, गलती से हुआ था। वैसे सीख तो मैंने इतना कुछ लिया है, तेरे वाली को भी पटा लूंगा मैं। अच्छा आ रही अभी। ए यार तू, ये तू मगरमच्छ की तरह क्यों खाता है बे? भाई भाई अपनी हरकतें सुधार दे भाई, ऐसी हरकतें लड़की को पसंद नहीं आती। किसने कहा था ये? सब चीज़ कहनी जरूरी है, एक्सपीरियंस भी कुछ होता है। वैसे यार तेरी रूबी है, ब्रेकअप कर लिया था ना तुझसे? हाँ वो। फिर क्यों आ रही है वापस? गिल्टी फील कर रही हूँ इसलिए आ रही है। अजीब है यार, ये लड़कियों की प्रॉब्लम समझ नहीं आती हैं। हर टाइम कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है ने, और साला हम कोई सॉल्यूशन दें तो बोल दिए तुम्हें कुछ पता ही नहीं है। अरे भैया, औरतें बातें ही प्रॉब्लम की करती हैं। प्रेजेंट प्रॉब्लम, पास्ट प्रॉब्लम, फ्यूचर प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ना हो तो प्रॉब्लम, और अगर प्रॉब्लम हो तो प्रॉब्लम तो है ही है। फोन क्यों करते हो तो प्रॉब्लम, फोन क्यों नहीं करते तो प्रॉब्लम, फोन ज्यादा क्यों करते हो तो प्रॉब्लम, फोन कम क्यों करते हो तो प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम बताओ। अरे भैया मैं तो परेशान हो गया, और दूसरों की प्रॉब्लम को पकड़ के खुद की प्रॉब्लम बना लेती है, और फिर खुद प्रॉब्लम में आ जाती है। और भाई यहाँ पे खत्म नहीं होता है, यहाँ पे नहीं होता खत्म। इनके नेल पॉलिश है, ड्रेसेस, मस्कारा, गाउन फलाना ढिमकाना, ये सब। बस फीलिंग आ गई थी तो मैंने खरीद लिया, फीलिंग आ गई थी तो मैंने ले लिया। पर अपना क्या, अपने को तो लेनी है। अरे सॉस नहीं, ले ले। पिज्जा मंगाया था, खा लो। लेने के लिए ना लेनी आनी चाहिए, यहाँ बैठकर औरतों की टांग खींचे जा रहे हो। टांग खींचना छोड़ो और टांग उठाना सीखो। अरे बहुत जोर से बोलो, उसने सुना नहीं शेफ ने शायद। कुछ नहीं कुछ नहीं, आपस में ऐसी हैं, करती रहती हैं। वैसे भी मैं तुम्हारे बारे में थोड़ा ना बोल रहा था। तुम तो और लड़कियों जैसी हो ही नहीं। तुम ना अपना मुंह बंद रखो। मेरा पहले दिमाग बहुत खराब है, तुमने और कर दिया। हेलो अंशुल। हाय, कैसी हो यार? रूबी, तुम ऐसे ही कभी भी मिलने चली जाती हो, डर नहीं लगता तुम्हें? डर क्यों लगेगा, तुम्हारी फैमिली स्ट्रिक्ट है ना। फैमिली? तुम्हें किसने कह दिया कि मेरी फैमिली यहाँ रहती है? सॉस खत्म हो गया थोड़ा ये वाला। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ क्या चल रहा है? औरत के चक्कर में फंसा हुआ है। औरत? एक मैरिड वुमन है ये, ये देख लिया, मैरिड वुमन। जब मर्जी आती है, जब मर्जी चली जाती है, ब्लॉक कर देती है, अनब्लॉक कर देती है। बुरी तरीके से उलझा हुआ बेचारा। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं सब सुलझा दूंगी। नहीं यार, किस्मत ही झंड है मेरी, कुछ नहीं सुलझेगा। सुनो, कहीं घूमने चले हम लोग? तुम्हें पता तो है पल्लवी यार, ऑफिस से टाइम ही नहीं मिलता, कैसे जाएंगे? लाओ दिखाओ, मैं ठीक करती हूँ उसको। मम्मा मैंने कल ही सॉल्व किया था, बिगाड़ क्यों देते हो? हाँ यार पल्लवी, तुम ना हमारी चीजें सारी बिगाड़ देती हो, मतलब मेरे कपड़े नहीं मिलते यार, क्या करती हो तुम? रखो तुम्हें, तुम दोनों से तो ना मैं हाथ जोड़ती हूँ। एक तो तुम दोनों के काम भी करो, ऊपर से तुम दोनों की बातें भी सुनो। आज के बाद ना मैं तुम दोनों के कोई काम नहीं करने वाली, दोनों ने पागल कर रखा है मुझे। लविक बेटा। हाँ पापा। तुम्हें कभी मेंढक मिले ना तो उसे पत्थर मार देना। क्यों पापा? क्यों? क्योंकि जब मैं छोटा था ना तो तुम्हारे दादाजी ने मुझे बताया था कि जब भी कभी मेंढक दिखे तो उसे पत्थर नहीं मारना। अब पूछो क्यों? क्यों? पत्थर मारोगे तो गूंगी बीवी मिलती है, काश मार ही दिया होता। बहुत बहुत फनी था ना ये, है ना? बुढ़े हो गए हो, थोड़ी ना अच्छी बातें करो, है ना? भजन कीर्तन में दिमाग लगाओ, बच्चों जैसी बातें करते रहते। अरे यार
मुझे ना एक ऑफिस के काम से जाना होगा थोड़ा। एक मीटिंग है यार, एक मिनट। मैं आता हूँ, मिलता हूँ। बाय लवेक। बाय। बुलाया क्यों था इतनी रात को यहाँ पे? बता दूंगी, लेकिन अब तुम्हारे बगैर नहीं रहा जाता। रूबी, आई गेस तुम्हें सचिन को टाइम देना चाहिए, वो समझेगा तुम्हें। अरे वो कुछ नहीं समझेगा। हाँ ठीक है, पैसा है उसके पास, लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए। मुझे जो प्यार चाहिए वो सिर्फ तुम दे सकते हो। रूबी, मैं पल्लवी को अब और धोखा नहीं दे सकता, सो प्लीज यार। आर यू श्योर? आई एम श्योर। तुम्हें पता है, मैं जब से तुम्हें मिली हूं ना, मैं ऐसा फील करने लगी हूं कि मैं तुम्हारे जैसा बेटर डिजर्व करती हूं। क्यों बुलाया मुझे यार? पल्लवी मेरा घर पे इंतजार कर रही होगी, प्लीज समझो। पल्लवी 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 का अफेयर चल रहा है किसी और के साथ। करो। बीवी है वो मेरी। हा? उसके लिए एक शब्द नहीं सुनूंगा। ठीक है ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैं प्रूफ लेके आऊंगी, तब यकीन करना। पल्लवी, तो ये पूछने आई थी कि कल नाश्ते में क्या खाओगे, पराठे बना दूं? पल्लवी पल्लवी मैं पल्लवी पल्लवी अतुल, तू बड़ी चिंता में लग रहा है। कुछ नहीं मम्मी जी, कल इन्हें मैंने रूबी के साथ देख लिया, बस तब से ही चिंता में। तू फिर से गया था, तुमने इसे कुछ नहीं कहा? कहना क्या है मम्मी जी, इंसान है, हो जाती हैं गलतियां। आप पराठे लेंगे और? नहीं। पल्लवी ने तुझे कुछ नहीं कहा? इसी बात की टेंशन है माँ, कल रात से कुछ ज्यादा ही खुश है। और माँ, मैं रूबी से मिलने सिर्फ। बेटा, जब कोई किसी अपने की गलती पर रोना और गुस्सा करना छोड़ दे और खुश दिखने लगे, तो समझ लेना चाहिए कि वो अपना नहीं रहा। असल में वो अंदर से टूट गई है बेटा। हसरत यही बाकी अभी है इस दिल में, तू मेरा हो जाए बस आज इस पल में। फिर भी है मिली दूरियां, फिर भी है मिले हम, ऐ काश कोई तो मुझे ला दे वो मौसम जिसमें ये दर्द दिल हो जाए जरा।
रात दिन लगे बेवजह क्यों, ये मेरी जिंदगी क्यों है, ये लम्हे बेमजा तेरे बिन, ना जाने किस बात पे आंखें हुई नम, ऐ काश कोई तो मुझे ला दे वो मौसम जिसमें ये दर्द दिल हो जाए जरा कम, ऐ काश कोई तो मुझे ला दे वो मौसम जिसमें लड़की ने दिमाग खराब कर रखा है मेरा। तुझे मैंने तेरी शादी से पहले भी समझाया था ना कि तुम्हारी कुंडलियां मैच नहीं करती, तब भी तूने मेरी एक नहीं सुनी। लाइफ में मूव ऑन होने के लिए ना खुद को चेंज करना पड़ता है। पर माँ, मेरी सास कहती है कि इंसान बदल जाने से हालात नहीं बदलते। पुराने ख्यालातों की है तेरी सास, घर में रह रहे के ना बोर हो जाते हैं तो बाहर घूम आना चाहिए। बात तो आप सही कह रहे हैं, वैसे भी मुझे बाहर काम है, मैं चली ही जाती हूँ। आप लविक का ध्यान रख लेंगी? लविक की टेंशन मत ले, मैं हूँ ना, मैं संभाल लूँगी। तू जा बाहर घूम कर आ थोड़ा। ठीक है माँ। आज कैसे याद किया? पूछने आई थी भारत का प्रधानमंत्री कौन है। गूगल कर लेती? तुम्हारे होते हुए गूगल करवाऊं? क्या बात है, तुम्हारा घर तो बहुत साफ लग रहा है। मैं तो सोच रही थी कि तुम्हारे साथ मिलकर सफाई करवाऊंगी। मेहमानों से सफाई नहीं करवाते हम। मैं मेहमान हूँ? हाँ, अभी तो मेहमान ही हो। मेहमानों की तरह आती हो, मेहमानों की तरह चली जाती हो। जिस दिन मेरी हो जाओगी ना, आते ही बर्तन साफ करवाऊंगा तुमसे। ऐसे कंफ्यूज कर रखा है तुमने, कभी भी आती हो कभी भी चली जाती हो। अब नहीं जाऊंगी, अपने पति से कोई रिश्ता नहीं रखना है मुझे। क्यों? उसके किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन है, और वो भी किसी लड़की के साथ। अच्छा, इसीलिए तुम वर्जिन हो? पर तुम्हारा बच्चा? मेरा बच्चा, वो तो पति की बेइज्जती ना हो इसलिए अडॉप्ट किया था। अधूरी हो तुम, हर औरत अधूरी होती है जब तक उसे किसी का साथ ना मिले। सिर्फ जिस्मानी भूख नहीं होती, एक अधूरापन सा होता है हर इंसान के अंदर, और तुम्हारा वो अधूरापन मैं पूरा कर सकता हूं। तुम ना ज्यादा ज्ञान मत पे लो, सीधा बोलो। सेक्स करना है?
हो गया? तुम तो कहती थी तुम वर्जिन हो यार। अच्छा 5 मिनट में तुम्हारा गेम ओवर हो गया और तुम्हें वर्जिनिटी चाहिए? हाँ यार, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ, इतना जल्दी कैसे हो गया? कोई बात नहीं, मेरे साथ रहोगे ना, सिखा दूंगी। पर साथ रहने के लिए तो टाइम देना पड़ेगा ना। ये बात भी सही है। एक काम करते, शिमला चलोगे मेरे साथ? पैसे नहीं है यार। उसकी चिंता तुम मत करो, मेरे पास है ना। हस्बैंड से लोगी? अरे क्यों हस्बैंड से लूं मैं, मेरे पास खुद के हैं अपने, अभी मैं लगा दूंगी। बाद में जब तुम्हारे पापा से नाराजगी दूर हो जाए तब तुम मुझे वापस दे देना। वो जाने देगा तुम्हें? उसकी सुनता ही कौन है, जब वो हर काम अपनी मर्जी से कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकती? पर यार फिर भी तुम्हें तो अपनी साइड से यही दिखाना चाहिए ना कि तुम्हें परवाह है उनकी, है ना, ताकि तुम्हारी कोई गलती ना रहे। कल को अगर कोर्ट में कोई बात जाएगी तो तुम्हारे पक्ष में रहना चाहिए ना सब कुछ। क्या बात है, तुम तो बहुत समझदार हो, जितने चूतिए दिखते हो उतने हो नहीं। चलो पैकिंग कर लो, कल चलना है हमें। इतनी हॉट लड़की मेरे साथ है, कपड़े क्या करने? तो नंगी आ जाना। हाय। लवी क्या कर रहे हो आप? खेल रहा हूँ। क्या खेल रहे हो आप? टॉय। टॉय? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे कुछ बात करनी थी पल्लवी। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। ट्रस्ट मी पल्लवी, इस बार मेरी कोई गलती नहीं थी, प्लीज घर चलो मेरे साथ। अतुल मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ और मैं नहीं चाहती कि किसी भी वजह से मेरा मूड खराब हो। और लविक? लविक का ध्यान माँ रख लेंगी। लविक को फिर मैं अपने साथ लेके जा रहा हूँ। ठीक है ले जाओ। जब तुम्हें मुझ पे यकीन हो जाए ना कि मैं सुधर गया हूँ तुम घर आ जाना, इंतजार करूँगा तुम्हारा। वैसे पूछ सकता हूँ कहाँ जा रही हूँ? लवी का ध्यान रखना। अरे मुझे क्या देख रहे हो ऐसे, आगे देखो। अगले कुछ दिनों तक ना तुम्हें सिर्फ मुझे ही देखना है। यार वैसे तुम पे लड़के तो लाइन तो बहुत मारते होंगे ना, तुमने मुझे क्यों पसंद किया? वो क्या है ना, तुम हमेशा अकेले रहते हो, मुझे ना झुंड में रहने वाले लड़के बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा मतलब चुनकर शिकार करती हो है? प्लीज यार ये गाना मत लगाओ, एक्स की याद आती है मुझे। अच्छा जी तो अब तो यही गाना चलेगा, और अगले 2 दिनों तक ये गाना सुनाते हुए तुम्हें अपने एक्स की याद ना भुला दी ना, तब कहना। म
मैं न जानू कितना तू जरूरी हुआ, मैं न जानू चाहत या मजबूरी हुआ, मैं न जानू ख्वाहिश अधूरी या पूरी हुआ, मैं न जानू दिल मैंने खोया या चोरी हुआ। मिले तू जब जब मुझे जहा यही हूँ दिन रात सोचता, अभी तो कहीं जिंदगी तू हुआ, अभी तो कहीं हर खुशी तू हुआ, अभी तो कहीं तिश्नगी तू हुआ। पाऊँ तुझे तो जाने हो क्या, अभी तो कहीं तुझसे है वास्ता, अभी तू मंजिल है तू रास्ता, अभी तो कहीं खुद से हूँ लापता। पाऊँ तुझे तो जाने हो क्या, कहीं हर खुशी तू हुआ, अभी तो कहीं तिश्नगी तू हुआ। पाऊँ तुझे तो जाने हो क्या, अभी तो कहीं तुझसे है वास्ता, अभी तू मंजिल है तू रास्ता, अभी तो कहीं खुद से हूँ लापता। पाऊँ तुझे तो जाने हो क्या। हर खुशी तू हुआ, अभी तो कहीं तिश्नगी तू हुआ। पाऊँ तुझे तो जाने हो क्या, अभी तो कहीं तुझसे है वास्ता, अभी तू मंजिल है तू रास्ता, अभी तो कहीं खुद से हूँ लापता। पाऊँ तुझे तो जाने हो क्या। एक मिनट, अतुल का फोन। हेलो। हेलो पल्लवी, तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। घर आ जाओ प्लीज, मुझसे ये सब नहीं संभल रहा यार। कभी कुछ तुम भी तो संभाल कर देखो। मैं कोशिश कर रहा हूं पर नहीं हो रहा है मुझसे। मैं जानता हूं तुम मुझसे नाराज हो, मेरे लिए ना सही, लविक के लिए वापस आ जाओ। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे बिना वो बेचैन हो जाता है। अतुल, मैं बाद में बात करती हूँ तुमसे। क्या हुआ, फोन काट दिया? नहीं नहीं, मेरे बिना लो फील कर रही है ना, तो
कैसी लग रही हूं मैं? हालात, जज्बात सब पलट दिए तुमने। तुम जैसे देखते हो ना, कसम से ड्रेस के पैसे पूरे हो जाते हैं मेरे। तुम ना कुछ भी पहन लो, सब अच्छा लगता है तुम पे। इसमें देखो कितनी प्यारी लग रही हो तुम। ये क्या कर रहे हो तुम? ये गवारों वाली हरकतें क्यों कर रहे हो? ड्रेस से कोई जूते साफ करता है? अरे क्या यार तुम। अंशुल, कुछ कह रही हूँ सुनाई नहीं दे रहा है? थप्पड़ मारूंगी ना, तब समझ में आएगा तुम्हें। समझ का नहीं पता मुझे, लेकिन थप्पड़ मेरी माँ या उसकी होने वाली बहू मार सकती है। ऐरी गैरी की बात नहीं सुनता मैं। ऐरी गैरी? मैं ऐरी गैरी हूँ? ठीक है, अब आना मेरे पीछे। तुम्हारे लिए रख लो यार, प्यार से लाया हूं। प्लीज मुझे घर ड्रॉप कर दो। ठीक है। तुम अचानक कैसे? लविक को लेने आई हूं। कहाँ है वो? पल्लवी, इसे याद आ गया होगा कि आज लविक का बर्थडे है। जी, आप खुश रहो। लविक कहाँ है, कैसी तबीयत है उसकी? सो रहा है अब। 12 बजने वाले हैं माँ, मैं उसे उठा के लाता हूँ। चल बेटा, आज आज। चलो। मम्मा आप आ गए। मम्मा आप कहाँ चले गए थे? हैप्पी बर्थडे लवी। थैंक यू मम्मा। लविक, आपका सरप्राइज आपकी मम्मा ने, ये बर्थडे केक था। मम्मा आपका गिफ्ट कौन सा है? मम्मा आपके लिए बहुत प्यारा गिफ्ट लाई है, बस एक सेकेंड। हाँ, ये देखो कैसा लगा आपको? अच्छा है। अच्छा लगा? पल्लवी बेटा, अगर आ ही गई हो तो कल चली जाना। जी मम्मी जी। चलो आओ बेटा। जी आओ। चलो, चलो।
अतुल आओ। अतुल आओ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। मामा को केक खिला दो ये वाला। क्या बात है, आज मेरे महबूब ने खत लिखा है, जस्ट फॉर यू, लव यू पल्लवी फ्रॉम अंशुल। क्या बात है। अच्छा चलो छोड़ो, बस जो बातें तुम मुझे समझाते थे ना, मैं जाकर पल्लवी को बता देती थी। तब मुझे ये नहीं पता था ना कि वो मिसेज अतुल अग्निहोत्री है। तुम इन सब के बारे में कब से जानती हो? आई तो थी मैं तुम्हारे पास तुम्हें सब कुछ सच सच बताने, लेकिन तुम्हें मुझ पे विश्वास कहाँ था? तुमने अपनी बीवी की साइड ली। ये लड़का कौन है? एक से मन कहाँ मरता है उसका। तुम्हारी तरह नहीं है वो, जो हर जगह मुंह मारती फिरे। बीवी है मेरी, मैंने गलती की है, बदला ले रही है बस मुझसे। सही कहा तुमने, बिल्कुल भी वो मेरी तरह नहीं है, और तुम्हें भी जल्दी पता चल जाएगा कि वो मेरी तरह नहीं है। ठीक है, समझ सकती हूँ मैं कि तुम पे क्या बीतरी, लेकिन तुम्ही ने तो समझाया था ना कि किसी को समझाओ मत, सीधा बदल दो। जितना सुनने आया हूँ, जितना पूछा है, उसका जवाब दो। बकवास नहीं सुननी मुझे तुम्हारी। अब तुम्हें मेरी बात बकवास भी लगने लगी? तो क्यों सुन रहे हो मेरी बकवास? मत सुनो ना, जाओ खुद ही पता लगा लो। और मेरे पास क्यों आए हो? आइंदा अगर इस बारे में तुमने मुझसे बात की ना, तो तुम देख लो। मैं पूछने आया था हमारा नेशनल एनिमल कौन सा है। टाइगर। अंकल आपको इतना भी नहीं पता? बेटा आप अंदर जाइए। मम्मी जी आप लवी को लेकर अंदर जाइए ना। मैं चलो बेटा चलो। पागल हो गए हो? जाओ यहाँ से, अतुल आ जाएगा। तुमने तो सिखाया है ये डर बंधन सब बकवास होता है। अंशुल देखो तुम अभी जाओ यहाँ से, अतुल आ गया ना तो बहुत सी अप्पा हो जाएगा, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। अरे यार ना तुम मिलने आती हो ना फोन पे बात करती हो, सब सब तुम्हारे हिसाब से होगा क्या? अंशुल देखो ये सही टाइम नहीं है, मैं तुम्हें सही टाइम पे कॉल करूंगी, प्लीज तुम जाओ यहाँ से। कोई शेयर मार्केट थोड़ी है यार मैं सही गलत टाइम देखूं। तुम्हारा मन करता है तुम आती हो ना, मैं आ गया तो क्या हो गया? तू वही है ना जिसने इसको टेडी बियर दिया था? और तुम्हें तो ओए इसे कुछ मत कर देना। अंशुल अंशुल तुम जाओ यहाँ से। तुमको साथ लेके चलूंगा मैं। अंशुल मेरा हाथ छोड़, मैं कह रही हूँ ना जाओ यहाँ से। चलो यार मेरे साथ। अंशुल कह रही हूँ ना जाओ यहाँ से, समझ में नहीं आता तुम्हें? जाओ यहाँ से। ओके ये जो तुमने अपने यार बना रखे हैं ना, याद रखना बुरे वक्त में कोई साथ खड़ा भी नहीं होगा तुम्हारे। और तुमने जो किया वो याद है ना तुम्हें? कम से कम वो मुझसे शादी तो करने के लिए तैयार है। ठीक है चैलेंज करता हूं तुम्हें, अगर वो तुमसे शादी भी कर ले तो
लविक चलो। नहीं मम्मा, मैं इधर ही रहूंगा। लविक कहीं नहीं जाएगा, उसका ख्याल मैं रख सकता हूँ। वो जा सकता है जिसको मेरे साथ नहीं रहना है। आज की पार्टी अच्छी थी ना? हाँ यार, और तूने वो लड़की देखी रेड ड्रेस में, गाउन वाली? यार वो लड़की पार्टी में कैसी लग रही थी। अरे भैया क्या हो गया, डस्टबिन में नहीं फेंक सकते थे क्या? देगी क्या? ओ हेलो, सफाई अभियान चलवा देता हूँ। ये क्या बकवास कर रहा है तू? खुद ही तो बात शुरू की है, और जिस हिसाब से तुम ये सेक्सी बन के घूम रही हो ना, देने तो आई हो। चल यार इसके मुंह ना लग। मैंने तो लग के देख लो। तुझे तो ना। थप्पड़ तो माँ या उसकी होने वाली बहू मार सकती है, समझी? कौन है बे? साले बाप को भूल गया क्या? सर इसने यहाँ पे बोतल फेंकी, इसको बोला कि डस्टबिन में फेंक दे, हमारे साथ बदतमीजी करने लग गया। वाह साला, अकेले में तुम लोगों को सब कुछ करना है, मैंने पब्लिक में पूछ लिया तो बदतमीजी है। अबे होश में बात कर, चल इसको लेके चल। पागल लग रहा है। पैदल जाएंगे। अबे पैदल कहाँ जाएगा, घर नहीं जा रहा तू, ससुराल जा रहा है ससुराल। चल लेके चल इसको, चल उठा इसको गाड़ी में, चल। अरे तू इतना क्यों सोच रही है, तू एक बार बोल तो सही, ऐसा केस होगा 6 महीने जेल में रहेगा और बेल भी नहीं होगी। माँ मुझे ना उसकी शक्ल भी नहीं देखनी है, अगर केस कर दिया तो जिंदगी भर शक्ल देखनी होगी। अरे केस कौन सा पूरी जिंदगी चलता है, और वैसे भी फैसला लड़की के हक में ही आता है, तो उसकी टेंशन मत ले। माँ मुझे अतुल की टेंशन नहीं है, मुझे लवी की टेंशन है, वो कैसे रहेगा मेरे बिना, वो क्या करेगा। तेरे को उसकी टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, वो उसका बाप है, वो अपने आप संभाल लेगा, तू बस अपनी लाइफ के बारे में सोच। माँ ये कैसा लग रहा है? ठीक है, पर तेरी बराबरी का नहीं है। एमएलए है इसका बाप। एमएलए का बेटा है? बड़ा स्मार्ट है, परफेक्ट मैच है, अच्छा है लड़का। हेलो, क्या? ठीक है मैं आती हूँ। ऐसे जो बता रहा था कि बहुत बदतमीजी की तुमने, इतनी पीते ही क्यों? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? वो तो मैं थी जो लेने आ गई, कोई और होता तो मिलने भी नहीं आता। कहाँ लेके जा रही हो मुझे? अपने घर लेकर जा रही हूँ, हालत देखिए कितनी खराब हो रही है तुम्हारी। तुम्हारे साथ रहूंगा तो और खराब हो जाएगी। ठीक है, तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करवा देती हूँ।
चाहेगा कोई तुम्हें हमारी तरह, न सोचेगा कोई तुम्हें हमारी तरह, न रोएगा कोई तुम्हारे लिए हमारी तरह, न मांगेगा कोई तुम्हें हमारी तरह, जो हमसे न बात करोगे बातें हमारी याद करोगे, जाओगे दिल तोड़ कर तुम अगर खुदी को बर्बाद करोगे, खुदी को बर्बाद करोगे। हमने तो कभी ख्वाहिश ही ना की कुछ तुमसे ज्यादा, तुम पे भरोसा किया पूरा चाहे खुद पे आधा, जान ही लेकर मानोगे क्या इस दीवाने की, ऐसा ना हो जाए तुम पे घड़ी फिर पछताने की, रो रो के फरियाद करोगे बातें हमारी याद करोगे, जाओगे दिल तोड़ कर तुम अगर खुदी को बर्बाद करोगे, खुदी को बर्बाद करोगे। आओ, रात को भी आया था दो बार, सो रही थी तुम। क्या ड्रामे ये सब? ड्रामे तो तुम कर रही हो यार, पहले थप्पड़ मार के भगा देती हो फिर खुद ही लेने आ जाती हो, उलझा रखा है तुमने। तो ढूंढ लो कोई सुलझी हुई। उलझने में मजा आ रहा है। अच्छा अच्छा सुनो ना, प्लीज मेरे साथ घर चलो। ठीक है माँ, डाइवोर्स पेपर्स निकाल कर रख लेगा, मैं आज घर आकर साइन कर दूंगी। ठीक है, तुम बैठो मैं तैयार होकर आती हूँ। अंशुल क्या कर रहे हो तुम? हाँ रेडी? यही पसंद था ना तुम्हें? मेरा हमेशा से यही सपना था, मेरी बीवी मेरा घर साफ करे और मैं पीछे से पकड़ लूं। शादी करोगी मुझसे? पर तुम्हारे पापा नहीं माने तो? ना माने, रहेगा तो सब हमारा ही ना, और मुझे तुम्हारी हां से मतलब है, बाकी किसी से कोई लेना देना नहीं। पर अभी हमें वेट करना होगा। वेट क्यों? क्योंकि कोर्ट से लीगली डाइवोर्स होने में 6 महीने लगते हैं, इसीलिए। तब तक हम साथ रह सकते हैं ना? नमस्ते मुझे। नमस्ते, अंदर आ जाओ। नहीं बस, पल्लवी को ले जाने आया हूँ मम्मी जी। पर वो तो घर पे नहीं है। कहाँ गई है?
मुझे पल्लवी को ले जाना बहुत जरूरी है, लविक रोए जा रहा है। पर वो तो तुमसे डिवोर्स लेना चाहती है। वो ऐसा नहीं करेगी, प्लीज आप मुझे उससे एक बार मिलवा दीजिए। वो फोन भी नहीं उठा रही है मेरा। बिजी होगी कहीं पर। मम्मी जी गलती मुझसे हुई है तो सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। मम्मी जी लविक रोए जा रहा है, उसकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बस आप मुझे एक बार पल्लवी से मिलवा दीजिए, उसे लविक के पास भेज दीजिए, उसके बाद वो जो कहेगी जैसा कहेगी मैं करने को तैयार हूँ। हाथ जोड़ रहा हूँ आपके आगे। मैं समझती हूँ बेटा, तुम टेंशन मत लो, मैं भेजती हूँ उसे। मुझे पता था तुम वापस आओगी। लविक अंदर सो रहा है, मैं उसको उठा के लाता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, ये डाइवोर्स पेपर की फाइल है, एक कॉपी तुम भी रख लो। चार दिन बाद कोर्ट में आ जाना, दोनों के साइन होंगे और फिर सबमिट हो जाएंगे। मैं समझा नहीं, ये समझे नहीं मतलब? कल रात मेरी माँ के साथ इतनी बदतमीजी करने के बाद तुम मुझसे कोई और उम्मीद रख रहे हो? बदतमीजी? मैंने माँ के साथ कोई बदतमीजी नहीं। उन्हें अगर मेरी किसी बात का बुरा लगा है, मैं उनसे माफी मांगूंगा। कोई जरूरत नहीं है, अब किसी माफी की कोई जरूरत नहीं है अतुल। तुम्हें इसके साथ रहना है तो मिल लिया करो इससे, मगर हमारे रिश्ते के बारे में सोचो, दुनिया मजाक उड़ाएगी यार। तुम्हें इसके साथ रहना है, रह लो यार। तुम्हारी वजह से अपनी लाइफ में और कॉम्प्रोमाइज नहीं कर मत करो। कॉम्प्रोमाइज कोई कॉम्प्रोमाइज मत करो, मगर लविक के बारे में सोचो, उसके बारे में सोचो, वो नहीं रह पाएगा तुम्हारे बिना। मम्मा पापा आप दोनों लड़ रहे हो? नहीं बच्चा, नहीं। मम्मा मैं आपके साथ चलूंगा। नहीं बेटा, आप ना पापा के साथ ही रहो। चैलेंज किया था ना इन्होंने मुझे, अपना अपना ध्यान रखना। हाँ एक मिनट। हैप्पी बर्थडे, ख्याल रखना आप अपना। मेरा बच्चा, आप भी अपना ध्यान रखना। हाँ अंशुल, चलो यहां से। पल्लवी, पल्लवी, बर्थडे था तुम्हारा आज? क्या करें फिर, पार्टी करें? नहीं यार, कुछ नहीं करना है मुझे, पता नहीं मेरी किस्मत ही इतनी क्यों खराब है। मुझे ब्लेम कर रही हो क्या? नहीं, मैं तुम्हें ब्लेम नहीं कर रही हूँ, बल्कि तुम्हारे साथ तो अच्छा फील करती हूँ। अच्छा अभी ऐसा क्या करूँ मैं जो तुम्हारे क्यूट से फेस पे स्माइल आ जाए? मुझे ना इन सब से कहीं दूर ले चलो यार, जहां थोड़ी शांति हो, सुकून हो। डोंट वरी, करता हूं मैं कुछ। लविक, लविक,
लविक, लविक, माँ लविक को देखा क्या आपने? यही तो तेरे पास बैठा हुआ था। मेरे पास था मगर अब वो यहाँ नहीं है। अंदर देख बेटा। लविक, लविक मिला क्या? अंदर भी नहीं है। हे भगवान, दरवाजा खुला हुआ है, मैं देख के आता हूँ। लविक, 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 कहाँ जा रहा बच्चा? मम्मा के पास। नहीं, नहीं बच्चा, मम्मा आ जाएगी, आप अंदर चलो। अच्छा सुन, मैं तेरे पास पैसे मांगने आया था यार। कल ही तो दिए पापा ने सैलरी तेरे को। अरे वो गांव में यार मम्मा बीमार है ना, तो उन पे लग गए। कल बात करी थी घर पे, कोई पैसे नहीं भेजे तूने घर पे, समझा? चूतिया किसी और को बनाना, उस पर लवी पे खर्चा कर रहा सारे। यार क्या है सचिन, कभी तो बोलता है भाई लाइफ जी ले, जिम्मेदारियां तो सारी उम्र निभानी है, अभी जी तो रहा हूं यार। बस यही प्रॉब्लम है तेरी, जरा सी दिक्कत हुई नहीं आत्महत्या करने चले गए भाई साहब, दो प्यार की बातें बोली नहीं पागल हो गया। अरे भाई इतना पागल होने को नहीं कहता मैंने। और जो लड़की, सुन ले, जो लड़की किसी को छोड़ के तेरे पास आ सकती है ना, तेरे को छोड़ के किसी और के पास भी जा सकती है। यार ज्ञान क्यों बांट रहा है तू? नहीं देने पैसे तूने, ना दे, ज्ञान सुनने नहीं आया तेरा यार। मैं क्या करेगा पैसों का, क्या करेगा पैसों का? ओ यार पल्लवी को लेके जाना है कुछ दिनों के लिए कहीं पे, कम से कम पुरानी यादों से तो बाहर आएगी वो। पुरानी यादें हैं, शहर के आगे फार्म हाउस है मेरा, ले जाइए वहाँ पे, खर्चा मैं देख लूँगा। सचिन थैंक यू यार। हाँ ठीक है ठीक है, जाना कब है? कल जाना है, कल जाना है। आज ही चला जाना खसम। कल बेल्ट पहन, बेल्ट। आओ। चलो ये सब तुम्हारा है? नहीं, अभी तो पापा का है। हाँ तो मतलब तुम्हारा ही हुआ ना? तुम्हारा भी तो है। इस ड्रेस में तुम इतनी प्यारी लग रही हो ना, उतारने का मन ही नहीं कर रहा। तुम मत उतारो। उतार कर और भी प्यारी लगोगी ना।
अतुल का मैसेज आया है, लवी की तबीयत खराब है। तो क्या झूठ बोल रहा होगा? इसकी यही सब बातें तो मुझे इरिटेट करती है। पल्लवी पिक अप द फोन प्लीज। पल्लवी पल्लवी फोन उठाओ, बहुत बुरा हो जाएगा यार। डॉक्टर साहब, लविक ठीक तो है ना? वो रोज अपनी माँ को याद कर रहा है, क्या कुछ हुआ है उसकी माँ को? नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। वैसे याद कर रहा होगा, उसकी तबीयत कैसी है मुझे ये बताएं बस आप। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। पल्लवी, पल्लवी, अंशुल, पल्लवी, 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 अंशुल, कितना टाइम लगेगा? आ रहा हूँ, बस दो मिनट दो। लेट हो रहे हैं हम। सचिन, अरे देखना पल्लवी, कौन है बाहर? सचिन, आर यू होम? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे बॉयफ्रेंड का गेस्ट हाउस है, पर तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये सचिन का गेस्ट हाउस है। कौन सचिन? जिसके घर पे तुम रह रही हो, जिसकी गाड़ी में तुम घूम रही हो, और मुझसे ये पूछ रही हो कि सचिन कौन है? पर ये सब कुछ तो अंशुल का है। सॉरी, मैंने गलत सुना या तुमने गलत बोला? वो फटीचर अंशुल, जिसके घर खाने के लिए रोटी नहीं है, जो खुद सचिन के पैसे पर पल रहा है, और तुम मुझे बोल रही हो कि ये सब उसका है? भिखारी है वो। सचिन कहाँ है? वो यहाँ नहीं है। मैं कब से उसे फोन ट्राई कर रही हूँ, ना वो फोन उठा रहा है, ना वो घर पर है। मैं कितना परेशान हो रही हूँ उसके लिए। सचिन, हेलो सचिन। यार भाई, वो आ गया रूबी यहाँ पे। भाई जल्दी आ, इसको संभाले यार। सचिन, वेयर आर यू? वो यहाँ कहीं पे नहीं है। उसके घर में अय्याशी कर रहे हो तुम, उसकी गाड़ी घुमा रहे हो, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि वो कहाँ पर है। तुमने मुझसे झूठ बोला? अंशुल, मैं कुछ पूछ रही हूं, तुमने मुझसे झूठ बोला? दिखा दी ना अपनी औकात, तुम पे भरोसा करना ही नहीं चाहिए था। तुम गांव वाले ना एकदम गवार के गवार ही रहोगे। झूठ तो तुमने भी बोला था ना? क्या झूठ बोला है मैंने? लविक तुम्हारा बेटा है ना? उसके बचपन से लेकर आज तक की तुम्हारे साथ सभी पिक्चर्स हैं इसमें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चे का गिफ्ट मुझसे बिना पूछे खोलने की? तुम पे ना विश्वास करके मैंने बहुत बड़ी गलती की है। पल्लवी, तुमको मुझसे प्यार था या पैसे से? प्यार तुमसे? शक्ल देखी अपनी, प्यार करने लायक नहीं है, और स्पेशली मेरे जैसी बंदी तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब तुम्हें सिर्फ पैसा चाहिए था? हाँ, और क्या, जो अपने पति और बच्चे को छोड़कर तुम्हारे साथ आशिकी करती फिर रही है, वो औरत किसी डायन से तो कम नहीं होगी। जो अपने बच्चे की नहीं हो सकी, वो तुम्हारी क्या होगी? अच्छा, और तुम क्या कर रही हो? मेरा घर बर्बाद करके तुम्हें अतुल के साथ अय्याशी करनी थी तो वही रहना था ना, यहाँ क्यों आई हो?
मैं ही पागल थी जो उसके पीछे मैंने सचिन को छोड़ दिया और उसने तुम्हारे लिए मुझे इग्नोर करना शुरू कर दिया। क्यों? मुझे पता चलने के बाद कितनी बार मिले हो तुम लोग? नहीं पल्लवी, मैं उसे बुलाती थी और अब तो उसने मुझे अपने पास आने से भी मना कर दिया है। पता है पल्लवी, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें अतुल जैसा पति मिला है। वो बहुत अच्छा इंसान है पल्लवी। अंशुल, अंशुल कहाँ है? अंश